फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन की क्या थॉट्स हैं, आपके पर्सन कार्ड रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके लिए। आप अपने मन में अपने पर्सन का नाम ज़रूर लीजिएगा और बहुत पॉजिटिव होकर के देखते हैं। अपने पर्सन का नाम 3 टाइम्स आप ज़रूर लीजिएगा। ओके, आई एम सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू, आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज ट्रिगर्ड, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला मैसेज, आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। आपके पर्सन की हायर सेल्फ यहाँ पे आपको सॉरी कहना चाहती है क्योंकि आप उन्होंने आपको ब्लॉक किया। ठीक है, ब्लॉक क्यों किया, क्योंकि वो ट्रिगर हो गए थे। आपकी इतनी हैवी एनर्जी थी, हैवी मतलब आपका लव इतना ज़्यादा स्ट्रांग था जो उन्हें कहीं पर भी फील नहीं हुआ। उससे वो घबरा गए थे, परेशान हो गए थे और फोकस नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उन्होंने ब्लॉक कर दिया। आवर रीयूनियन इज़ इनएविटेबल, प्लीज़ बी पेशेंट, इट्स हैपनिंग। तो यहाँ पे आपके पर्सन देखिए, उनकी हायर सोल आपको ये कहना चाहती है कि ये जो रीयूनियन है, आप दोनों का जो एक रिकन्सिलेशन है, वो इनएविटेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, ये होगा निश्चित तौर पर, ज़रूर होगा। उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, ऐसा आपके पर्सन की हायर सोल आपको कहना चाहती है। माई इनर चाइल्ड क्रेज फॉर लव एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे आपके पर्सन के कुछ ऐसे चाइल्डहुड वुंड्स हैं जिसकी वजह से उनकी सोल जो है एक ब्रोकन फील कर रही है इस वक्त। ठीक है, यहाँ पे कुछ उस वुंड्स की वजह से आपके पर्सन जो है ना, अभी बहुत ज़्यादा अनलव्ड फील कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, और आपके लिए क्रेव भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आई फील सो अलोन, आई डू बिलीव फेट इज़ द रीज़न फॉर अस। तो यहाँ पे आपके पर्सन देखिए, अभी हम कह रहे थे कि बहुत ही अनलव्ड फील कर रहे हैं, उनके लाइफ में चीज़ें उनके अकॉर्डिंग तो उन्होंने बहुत करने की कोशिश की। ठीक है, और उनकी डिज़ायर्स भी पूरी हुई, लेकिन आप उनको नहीं मिले, आपसे दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ऐसा फील हो रहा है। आई फील सो अलोन, और ये उन्हें पता है कि ये कनेक्शन जो है वो डेस्टाइंड है, ये फेटेड कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी का कनेक्शन है, एक ट्रू लव कनेक्शन है। आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, इस सेपरेशन ने उन्हें बहुत कुछ समझाया है और उन्होंने अब जब उन्हें समझ में आया है तो इसको सरेंडर किया है यूनिवर्स को, डिवाइन को, क्योंकि उन्हें पता है कि ये रीयूनियन डेस्टाइंड है, ये होना ही होना है, आज नहीं तो कल डेस्टाइंड है। अ बिग हग फॉर यू, आपके पर्सन आपको हग करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके लिए क्रेव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं इस वक्त। ओके, और आई एम अफ्रेड टू टेल यू, आपको ये बताना, आपको देखिए वो इस वक्त अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, आपको हग करना चाहते हैं, वो कहना तो चाहते हैं बट यहाँ पे आपको कुछ कहने से डर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई हों जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि आप उन्हें माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट थिंकिंग आपकी चल रही है, कांस्टेंट साइंस फ्रॉम यूनिवर्स एंड एंजल्स, और आपके इस कनेक्शन के लिए, आप दोनों के इस कनेक्शन के लिए उन्हें कांस्टेंटली साइंस दिए जा रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें किसी ना किसी तरीके से ना साइंस दिए जा रहे हैं। और जब साइंस दिए जा रहे हैं तो उन्हें समझ में आ चुका है कि ये डेस्टाइंड है, ये कनेक्शन, ये रीयूनियन होना ही होना है, और इस बात को जान करके वो पेशेंस रखे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुद को रोका हुआ है उन्होंने, क्योंकि डिवाइन ने उन्हें यहाँ पे कुछ साइंस दिए हैं जिसकी वजह से, जिस पर उन्हें अपना काम करना है, अपने आप को हील करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपकी तरफ आएंगे। योर डियर सोल हैज़ अवेकन एंड इज़ रीचिंग इमोशनल मैच्योरिटी। वाओ, तो यहाँ पे अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन, आपके डीएम की सोल जो है वो यहाँ पे कम्प्लीटली अवेकन हो चुकी है और एक इमोशनल मैच्योरिटी पर पहुँच रही है, क्योंकि इतने साइंस उन्हें दिखाए गए हैं इस तरीके की, एक टफ साइकिल से यहाँ पे उन्हें निकाला गया है। ठीक है, एक टफ कार्मिक साइकिल से आपके पर्सन निकले भी हैं या बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, तो देखिए आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे इस वक्त, जिस वक्त भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपको ही ढूंढते हैं हर जगह। यहाँ पे आपकी बातें उन्हें याद, आपकी ही बातें उन्हें याद आती हैं, आपकी कही गई बातें, आपके थॉट्स, आपके लुक्स,
आपकी हर चीज़ उन्हें याद आती है। नाम जप, वाओ, आपकी पसंदी के नाम जप करना हो सकता है उन्होंने शुरू किया है, या उनको ऐसा थॉट आ रहा है कि उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है कि उन्हें नाम जप करना चाहिए, या हो सकता है आपने टेलीपैथिकली उन्हें ये मैसेज दिया हो कि आपको नाम जप करना चाहिए, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो नाम जप करने का सोच रहे हो। DMDF एनर्जी बैलेंसिंग, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो शिव शक्ति की जर्नी में हैं। यहाँ पे आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आपके पर्सन डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आपके, तो आप दोनों की एनर्जी इस वक्त बैलेंस हो रही है, और जब बैलेंस होती है तब यहाँ पे डिवाइन रीयूनियन होता है। योर पर्सन इज़ अट्रैक्टेड एंड पुल्ड बाई द प्योरिटी एंड इनोसेंस ऑफ योर हर्ट, तो डेफिनेटली आपकी इनोसेंस, आपकी प्योरिटी, आपकी डिविनिटी यहाँ पे, और आपकी एक ऑनेस्ट जो नेचर आपका रहा है उनके लिए, उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उस चीज़ की वजह से यहाँ पे आपकी तरफ एक बहुत ज़्यादा पुल, अपने आप को एक खिंचता हुआ आपकी तरफ में वो फील कर रहे हैं, ठीक है, और इस खिंचाव को वो रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे थ्रोट चक्रा, तो आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक था अभी तक, बट यहाँ पे अगर आपने अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क किया है, हील किया है उसे, तो आपके थ्रोट चक्रा के हील होने से यहाँ पे आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा भी हील हुआ है, और जब थ्रोट चक्रा हील होता है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा, ठीक है। थ्रोट चक्रा हो हील होने के बाद ही यहाँ पे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन आता है, एक क्लैरिटी आपकी पर्सन की तरफ से आपको दी जाती है। आई कांट वेट टू टेक यू ऑन अ डेट, तो यहाँ पे देखिए आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग मैसेज यहाँ पे यही आ रहा है कंटिन्यूसली कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, बट डर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डर है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे या आप उन्हें मना तो नहीं कर देंगे, तो ये डर जो है, आप टेलीपैथिकली उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप उन्हें हील कर सकते हैं। एनर्जेटिकली DM आर बीन मेड रेडी टू रिसीव यूनियन, देखिए रीयूनियन का मैसेज भी आ चुका है, आपके DM की सोल भी अवेकन हो चुकी है कम्प्लीटली एनर्जेटिकली, और आपके सोल, उनकी सोल यहाँ पे अब रेडी है रीयूनियन के लिए, यहाँ पे रेडी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन की जो सोल है आपको ये कहना चाहती है कि एनर्जेटिकली आप दोनों ही इस वक्त रीयूनियन के लिए रेडी हैं, और ये जब एनर्जेटिकली हो चुका है तो 3D में भी यहाँ पे आप मैनिफेस्ट करें। आई एम सो प्राउड ऑफ यू द वूमेन यू हैड बिकम, आपके पर्सन आपको, आपको जब देखते हैं, आपको जब आप इतनी स्ट्रेंथ में देखते हैं, इतने सेल्फ लव की एनर्जी में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि आपके पर्सन की जो हायर सोल है ना, वो बहुत पहले से ही ये चाहती थी आपकी को डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, आप खुद पर डिपेंड हो, आप खुद पर, खुद इतनी स्ट्रेंथ में आए कि आप अपने डिसीजन खुद ले पाएं, और जब आप इस एनर्जी में आ रहे हैं तो आपको देख करके बहुत प्राउड खुद को फील करते हैं, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं इस वक्त आपको देख करके, ठीक है। आई नो वी आर बींग स्पिरिचुअली गाइडेड, तो यहाँ पे देखिए आपके पर्सन को ये पता है, डेफिनेटली ये 100% श्योर है, 1000% श्योर है कि आपके पर्सन को इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है कि ये डेस्टाइंड है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, देखिए यहाँ पे ये बहुत ही कनेक्टिंग मैसेज आया है, आई नो वी आर बींग स्पिरिचुअली गाइडेड एंड मेंट टू बी टुगेदर, और ये उन्हें पता है कि आपके पर्सन को ये पूरी तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है, ये डेस्टाइंड है, ये कनेक्शन जो है पूरी तरीके से डेस्टाइंड है, ये होना ही होना है। ये सॉन्ग है, देखिए आप ये सॉन्ग सुन सकते हैं, ये आपने सुना होगा, आप इस सॉन्ग को सुनिए, और इसको जब आप सुनेंगे तो आपके पर्सन की एनर्जी को आप फील कर पाएंगे, ठीक है। आपने सॉन्ग सुना ही होगा, तू रूह है तो मैं काया बनूँ, ठीक है, तो आप पूरा सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा, इससे आपके पर्सन की एनर्जीज, आप इस वक्त करंट में आपके लिए क्या है वो आप समझ पाएंगे। इट वॉज़ यू, इट वॉज़ ऑलवेज ओनली यू, तो देखिए आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं उनकी लाइफ में आप ही थे, आप ही हैं, आप ही रहेंगे, ओके, ओनली यू एंड यू, आपके सिवा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। अर्थ एंजल, आपको अर्थ एंजल समझते हैं क्योंकि आपने उनमें जो चेंज किया है, आपने उनको पूरी तरीके से बदल के रख दिया है, ठीक है। आप जो इंसान पहले थे, अब वो अपने आप में एक बदलाव जो देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से है, ओके। आई हैव स्लीपलेस नाइट्स, आपके पर्सन यहाँ पे सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी यादें उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, रातों को उठ रहे हैं, उठकर आपकी बातों को याद कर रहे हैं, आपके मैसेजेस को रीड कर रहे हैं, जो भी मैसेजेस, ये टेक्स्ट मैसेज हो सकते हैं, लेटर भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है।
तो जो भी आपके पर्सन रीड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, डू बजरंग बाण फॉर प्रोटेक्शन, तो ये आपके आने वाले रीयूनियन के प्रोटेक्शन की गाइडेंस यहाँ पे आ चुकी है। अपने रीयूनियन को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे रीयूनियन को, खुद को, अपने पर्सन को प्रोटेक्शन देनी है बजरंग बाण के द्वारा और दुर्गा कवच के द्वारा। ये आप ज़रूर करें, इंटेंशन सेट करके करें, ओके। तो फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पे मेरा ध्यान जो है, आप यहाँ पे ये डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड रखा हुआ है आप, तो यहाँ पे जब आपका आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं इस कनेक्शन के लिए, जो ये डिस्टाइंड कनेक्शन है, ठीक है। आप जिस भी पर्पस, जिस भी पर्सन के लिए इस रीडिंग में आए हैं, ये कनेक्शन डिस्टाइंड है, डिवाइन ने ही इस कनेक्शन को बनाया है, ठीक है। तो जब डिवाइन ने बनाया है तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं इसमें। आपको कोई नेगेटिविटी किसी भी तरीके से कहीं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आपको एक होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन लेना है, अपना कर्म ज़रूर करना है, अपनी तरफ से एफर्ट्स भी ज़रूर डालना है, क्योंकि यूनिवर्स ये देखते हैं कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप इसके लिए कितने कितने एफर्ट्स, आप यहाँ पे कितने विश्वास के साथ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये, और मैंने ऐसा कहा तो मैंने 11-11 देखा है, तो डेफिनेटली ये आपका टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट थॉट्स, आपके पर्सन की हायर सोल के मैसेजेस, लव मैसेजेस आपके लिए। ये जो जिन तक भी वीडियो पहुंचेगा, ये टाइमलेस रीडिंग है, ओके। आपके सामने जब भी आएगा, इसमें आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट थॉट्स, आपके लिए करंट फीलिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।